जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो है चल रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेटों ने जो है इस एग्ज़ामिनेशन को दे भी दी, और बहुत सारे कैंडिडेटों का अभी जो है डेट नहीं आए, तो वे सब भी अपने अपने तैयारी पर जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को बता दें कि आप सभी का जो पिछले जो है किस टाइप से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं को जो है कुछ खास और कुछ इंपॉर्टेंट हम आपके लिए क्वेश्चन लाएँ जो 30 अगस्त को आने वाले एग्जामिनेशन में आप सभी से पूछ सकते हैं। इसीलिए यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, चाहे 30 तारीख हो चाहे 31 तारीख हो, तो उससे पहले इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देखते जाएँ, तो हो सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी को इसी में से कुछ पूछ दिया जाए। तो इसमें से अगर 10 भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, क्योंकि पढ़े हुए जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ आप उसका आंसर को दे सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी क्वेश्चन पेपर एंड आंसर के बारे में, जो कि 30 अगस्त 2018 को जो है ये प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं और आप नए हैं और आपको लगते हैं कि इस चैनल को हमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो नीचे रेड कलर का बटन होंगे उस बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ साथ बेल का भी आइकन को दबा के बेल का भी आइकन दबा दें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन है। याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकते, हमेशा आपका जो है प्रॉफिट ही होंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर हमारा 30 अगस्त के लिए बनाए गए, तो सबसे पहले आपको बात करते हैं कि आप सभी का जो है आरआरबी एलपी या असिस्टेंट जो एग्जामिनेशन डेट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 29, 30 और 31 तारीख को इन सारे डेटों पर आप सभी का एग्जामिनेशन जो है संपन्न होने जा रहे हैं। तो आप देख ले कि आपको किस तारीख से आपका है। हमारे पास तो सारा का जितने भी हर डेट का जो है अलग अलग डेट का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप सारे डेट का अलग अलग देख सकते हैं। हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नज़र आ चुके हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर, प्रेशर कुकर में सब्जियाँ जल्दी पकाई जाती है क्यों? क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? तो वह जो है वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह खोने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? आंसर होगा परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? भैंस में और गायों में जो है एंथ्रेक्स नामक जो है रोग को ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? तो उसकी विलेयता जो है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? इसका सही आंसर होगा 65 से 80 के बीच में, यह लगभग मान बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आप सभी के वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकी में बदलते हैं तथा अधिक अधिम मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, वे क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है क्या होता है? मतलब कौन सा भाग होता है जो बॉडी का वो होते हैं? तो इसका आंसर होगा लीवर। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त रक्त कण क्या कहलाता है? आंसर होगा ल्यूकोसाइटस। एड्स किसके किसके संक्रमण के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा विषाणु। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज जो है किसने की थी? आंसर होगा गोल्ड स्टीन ने। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मतलब विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा जो है गाजर में पाया जाता है, इसीलिए गाजर आप हमेशा खाते ही रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा औषधीय चट्टानों में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है।
अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत ताप के प्रवाह के कारण जो यहाँ पर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग डॉट डॉट की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा जीवाश्मों के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप सभी के 30 तारीख का जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 30 अगस्त को, उसमें पूछने वाले, यदि आप 30 अगस्त को देने के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आप पढ़ते जाएं, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है, असिस्टेंट लोको पायलट या कोई भी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ।